हेलो गाइस, यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा नाम है सुधांशु यादव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेटल फॉर्मिंग। ठीक है, इससे पहले हमने जो है कास्टिंग के बारे में पढ़ा था। कास्टिंग कैसे होती है, कास्टिंग में कौन से एलिमेंट्स यूज होते हैं, कास्टिंग की प्रोसेस क्या क्या है, डिफेक्ट क्या है कास्टिंग के, उसमें क्या क्या स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं, राइजर डिज़ाइन कैसे होता है, उन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे मेटल फॉर्मिंग के बारे में कि मेटल फॉर्मिंग क्या होती है, किस किस चीज़ों पे बेस्ड होती है, कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, अब हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने कुछ बेसिक जो है मेटल फॉर्मिंग का वो वाइट बोर्ड पे लिख रखा है, तो मैं बताता हूँ। द प्रोसेस इन विच द डिज़ायर्ड शेप एंड साइज आर ऑब्टेंड थ्रू दी डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल्स प्लास्टिकली अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि हम किसी भी मेटल की डिज़ायर्ड शेप या उसके साइज़ को ऑब्टेंड करना चाहते हैं, उसके साइज़ चाहते हैं, तो उस मेटल फॉर्मिंग के थ्रू हम किसी भी मेटल की डिज़ायर्ड शेप का ऑब्जेक्ट हम प्राप्त कर सकते हैं। लाइक इसमें बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, कंप्रेसिव फोर्स लगा के, टेंसाइल फोर्स लगा के, शियरिंग करके, हम कई तरीके से अपनी जो भी हमें डिज़ायरेबल शेप है हमारी, हमें इस किस तरीके का प्रोजेक्ट बनाना है ऑब्जेक्ट, तो हम इसके थ्रू बना सकते हैं। ठीक है, मेटल फॉर्मिंग में बेसिकली होता क्या है, द स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड आर ग्रेटर देन यील्ड स्ट्रेंथ बट लेस देन फ्रैक्चर स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अभी तक हम कास्टिंग पढ़ रहे थे। कास्टिंग में क्या होता था, मोल्टन मेटल डालते थे, एक कैविटी बनाते थे, उसी शेप का ऑब्जेक्ट हमारे लिए बनकर आ जाता था। यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट है, चाहे वो कास्टिंग से बनकर आया हो या पहले से ही बना हुआ हो, उसको हम किसी दूसरी शेप में या हमारी जो डिजायरेबल शेप है हम उसमें चेंज करते हैं। ठीक है, तो चेंज करते टाइम जो उसके अंदर जो स्ट्रेसेस इंड्यूस होती हैं, जब भी हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं फॉर्मिंग में, तो जो उसके अंदर स्ट्रेसेस इंड्यूस होती हैं, उन स्ट्रेसेस का जो है यील्ड स्ट्रेस से क्या होती हैं, ग्रेटर देन होती हैं। देखिए, किसी भी स्ट्रेस, किसी भी मटेरियल के लिए एक यील्ड स्ट्रेंथ होती है, एक अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ कौन सी होती है, दो स्ट्रेस स्ट्रेंथ होती है हमारी, एक तो यील्ड स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, सेकंड वन क्या होती है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ क्या कहती है, ये वो स्ट्रेंथ होती है जहाँ तक मटेरियल इलास्टिक बिहेव करता है। इसका मतलब समझिए, इलास्टिक बिहेव करता है। लाइक हमने किसी मेटल पर कोई भी फोर्स लगाया, ठीक है, कोई भी फोर्स लगाया, उसके बाद अगर हम वो फोर्स हटा दें तो वो दोबारा से वही अपने मेटल अपनी ही पहले वाली पोजीशन में लौट के आ जाए, तो उसको हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। ठीक है, उस मटेरियल की इलास्टिक लिमिट, इलास्टिसिटी इस चीज़ को हम डिफाइन करती है। तो इलास्टिक लिमिट कहाँ तक होती है, उसकी यील्ड स्ट्रेंथ तक, मतलब यील्ड स्ट्रेंथ के उस साइड जब हम लोड हटाएंगे तो हमारा मटेरियल अपनी दोबारा से उसी फॉर्म में वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो एक यील्ड स्ट्रेंथ होती है, सेकेंड वन होती है अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या बताती है कि ये इस मटेरियल की मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेंथ है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मटेरियल फ्रैक्चर हो जाएगा, इससे ज़्यादा कोई भी मटेरियल अल्टीमेट स्ट्रेस से ज़्यादा वो सेंसिबल नहीं कर सकता है। ठीक है, उससे ज़्यादा वो सहन नहीं कर सकता है, उसके बाद वो मटेरियल फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बताती है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो जो मेटल फॉर्मिंग में जो स्ट्रेसेस इंड्यूस होती हैं वो क्या होती हैं, यील्ड स्ट्रेस से ज़्यादा होती हैं बट फ्रैक्चर स्ट्रेंथ से कम होती हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ से कम होती हैं। ठीक है, अगर अल्टीमेट स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो जाएंगी तो फॉर्मिंग करते करते हमारा वर्क पीस टूट जाएगा। अगर हमारा वर्क पीस ही टूट जाएगा तो फ़ायदा क्या है फिर। ठीक है, तो वर्क पीस ना टूट पाए, लेकिन यील्ड स्ट्रेंथ से क्या होती है, हमेशा ऊपर होती हैं, इलास्टिसिटी में नहीं होती हैं, यील्ड स्ट्रेंथ से नीचे मेटल फॉर्मिंग नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड वन हमारा जो आता है वो है बेस्ड ऑन टेम्परेचर डिफॉर्मेशन प्रोसेस कैन बी क्लासिफाइड एज कोल्ड वर्किंग एंड हॉट वर्किंग। ठीक है,
टेम्परेचर के ही भी बेसिस पे हम उस मेटल फॉर्मिंग में टू टाइप्स की वर्किंग होती है, एक होती है कोल्ड वर्किंग, एक होती है हॉट वर्किंग। ठीक है, तो कोल्ड वर्किंग क्या होती है, हॉट वर्किंग क्या होती है, इसको मैं आपको आगे डिटेल से ही बताऊंगा। यहाँ मैं आपको हल्का हल्का बता दे रहा हूँ कि कोल्ड वर्किंग क्या होती है। ठीक है, कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग, ठीक है, एक टर्म यूज होती है हमारी मटेरियल साइंस में, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर होता है किसी भी मटेरियल का, ये वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे वो मटेरियल रिक्रिस्टलाइज हो जाता है, उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो दोबारा से गेनिंग करते हैं, दोबारा से रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है किसी भी मटेरियल का, मतलब कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी जगह से इधर उधर होके उसको दोबारा से रिक्रिस्टलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो जो कोल्ड वर्किंग होती है वो क्या होती है, मैं इसको रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर को मैं बोल दे रहा हूँ TR। ठीक, कोल्ड वर्किंग, एक होती है हॉट वर्किंग। तो कोल्ड वर्किंग क्या होती है, जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है उससे क्या होती है, हमेशा कम होती है। ठीक है, ठीक है, और हॉट वर्किंग क्या होती है, हमेशा रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ज़्यादा होती है। लाइक आप अगर नाम से ही समझ सकते हैं हॉट वर्किंग, मतलब कि वो क्या होती है, हॉट वर्किंग में रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से हमेशा क्या होती है, अबव होता है। ठीक है, उसका जो टेम्परेचर होता है हॉट वर्किंग में प्रोसेस में, और जो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से हमेशा कम होता है। ठीक है, उसके बाद इस मेटल फॉर्मिंग में या वर्क फॉर्मिंग में क्या होती है, ये कुछ प्रोसेस होती हैं लाइक फॉर्जिंग हो गई, रोलिंग हो गई, एक्सट्रूजन हो गई, वायर ड्राइंग हो गई। ठीक है, इन सभी को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, जो भी ये सारी जो प्रोसेस होती हैं इन सबको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, इसके बाद मैं आपको इलास्टिक एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हमने मेटल फॉर्मिंग के बारे में पढ़ा था, अब हम कुछ बीच में इलास्टिक एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, हैट हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग और कुछ टर्म पढ़ेंगे, उसके बाद हम फोर्जिंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इलास्टिक एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, दो तरह के डिफॉर्मेशन होते हैं किसी भी मेटल फॉर्मिंग में, जब मेटल फॉर्मिंग की जाती है, कोई भी मेटल पे वर्क पीस पे लोड लगाया जाता है, तो दो तरह की डिफॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, डिफॉर्मेशन के कब होता है, सबसे पहले डिफॉर्मेशन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डिफॉर्मेशन होता है, डिफॉर्मेशन इज द चेंज इन डायमेंशंस अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्सेस। ठीक है, जब हम किसी भी मेटल पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई भी फोर्स अप्लाइड करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, उसकी डायमेंशंस में कोई चेंज आता है, या तो अगर हम कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं, ठीक है, जैसे ये मार्कर है, ठीक है, मार्कर, अब हम इस पर अगर कंप्रेसिव लोड लगाया हमने, कंप्रेसिव लोड लगाया तो क्या होगा, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी को हम टेंसाइल लोड इस पर लगाएं तो क्या होगा, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, इसकी डायमेंशंस में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जब भी हम कोई फोर्स लगाते हैं तो उसकी डायमेंशंस में जो चेंज आता है उसको हम क्या कहते हैं, डिफॉर्मेशन, उसको हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो फर्स्ट वन आता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन किसे कहते हैं, इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज डिफाइंड एज द डिफॉर्मेशन विच कम्प्लीटली डिसअपियर्स आफ्टर रिमूविंग ऑफ फोर्स। ठीक है, हम इलास्टिसिटी जानते हैं, इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिक कोई भी इलास्टिक हो गया, रबर हो गई, कुछ भी हो गया, हम उसको क्या करते हैं, उसको हम करते हैं स्ट्रेच करते हैं, उसके बाद क्या होता है, जब हम उसे छोड़ते हैं तो दोबारा वो अपनी पोजीशन में लौट आता है, होता है ऐसा। इस बिल्कुल इसी तरह का जो बिहेवियर होता है वो मेटल भी शो करते हैं। मेटल्स में भी एक, जब तक हम किसी भी कोई फोर्स लगाएं, ठीक है, और फोर्स लगाने के बाद हम उसको डिफॉर्म करें, और एक ऐसी लिमिट, मतलब 5 किलो न्यूटन का लाइक हमने फोर्स लगाया, जैसे इस पर हमने कोई ऐसा फोर्स लगाया, ठीक है, तो क्या हो, जब हम फोर्स हटाएं तो जो मटेरियल है, वो मेटल है या ऑब्जेक्ट है, वो दोबारा से अपनी कंडीशन में वापस लौट आए। ठीक है, जिस कंडीशन में वो था, जिस डायमेंशंस में था, वो दोबारा से अपनी डायमेंशंस में लौट आए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इलास्टिक डिफॉर्मेशन।
उसको हम बोलेंगे इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो एक बार और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इलास्टिक डिफॉर्मेशन किसे कहते हैं? इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज डिफाइंड एज द डिफॉर्मेशन विच कम्प्लीटली डिसअपियर्स आफ्टर रिमूविंग ऑफ फोर्स। जो फोर्स रिमूव करने के बाद क्या हो, बिल्कुल पूरी तरह से डिसअपियर हो जाए। ठीक है, व्हेन द स्ट्रेसेस एक्सीड्स द इलास्टिक लिमिट देन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट्स। क्या होता है, जब हमारा ये स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम है, इसमें मैं आपको पूरा क्लियरली बताऊंगा किसी एक मटेरियल के बारे में कि वो किस तरीके से उसमें स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड होती हैं, किन स्ट्रेसेस तक इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, किन स्ट्रेसेस के बियॉन्ड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बारे में भी मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊँगा। ठीक है, सेकेंड का था प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में भी इधर डिजायरेबल और अनडिजायरेबल, ये डिजायरेबल भी हो सकता है, अनडिजायरेबल भी हो सकता है। ठीक है, तो सब अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करें फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं रबर देखते हैं, या हमने कोई भी ऐसी चीज़ देखा जो हम जिसको हमने स्ट्रेच किया। ठीक है, स्ट्रेच करने के बाद क्या हुआ, एक लिमिट तक स्ट्रेच किया और जब हमने छोड़ा था वो क्या हुआ, अपनी दोबारा से अपनी पोजीशन में लौट आया। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, या अगर हम देखें कि हम किसी चीज़ को तान रहे हैं, ठीक है, हम किसी चीज़ को स्ट्रेच कर रहे हैं, हम इतना स्ट्रेच कर दिया, इतना स्ट्रेच कर दिया कि हमने जब उसे छोड़ा तो वो लौट तो आया लेकिन पूरी तरह से अपनी पोजीशन में नहीं लौटा, उसमें डिफेक्ट आ गया। ठीक है, वो थोड़ा सा अपना लेंथ उसने इंक्रीज कर ली आफ्टर रिमूविंग ऑफ फोर्सेस। ठीक है, आफ्टर रिमूविंग ऑफ फोर्सेस के बाद भी उसने कुछ क्या करिया, उसने अपने डायमेंशंस कुछ इंक्रीज कर ली, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपनी जो स्ट्रेसेस थी इलास्टिक स्ट्रेसेस से एक्सीड कर गया। ठीक है, तो मतलब कि वहाँ पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो मैं आपको इस स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम, ये मटेरियल साइंस में आप डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पर मैं आपको माइल्ड स्टील के लिए एक स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेस डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि इलास्टिक या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होते क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ, आप देखते जाइए। ठीक है, ये क्या है, ये स्ट्रेस की लाइन है, ये क्या है, ये स्ट्रेन की लाइन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, एक ये होती है इलास्टिक लिमिट हमारी, जहाँ जब हमारा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्ट्रेन होता है। ये थोड़ी लाइन क्या है, इसका थोड़ा एंगल, ठीक है, ये क्या है, इलास्टिक लिमिट है यहाँ तक, इसको हम एक पॉइंट दे देंगे। इसके बाद ठीक है, पॉइंट तक पहुँचते हैं, उसके बाद ओके, ये हमारा एक, आप अगर मैं आपको बताऊं, आप फर्स्ट ईयर में आप वर्कशॉप में गए होंगे, तो वर्कशॉप में आपकी एक मशीन रखी होगी जो कि होगी अल्टीमेट यूटीएम। ठीक है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। यूटीएम में आपने एक प्रैक्टिकल किया होगा जिसमें कि आपको एक एक इस तरह का एक ऑब्जेक्ट होगा आपको गिवन। ठीक है, आपको कुछ कुछ ध्यान आ रहा होगा, आपको कुछ कुछ ध्यान आ रहा होगा अगर आपने अटेंड किया होगा, अगर आपने बंक मारा होगा तो कुछ ध्यान नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपने अटेंड किया होगा तो ये चीज़ आपको ध्यान आएगी। यूटीएम में हमने क्या किया था, एक इसी तरह का एक वर्क पीस होता है जो आपके सर उसमें जो है होल्ड ऑन कर देते हैं। होल्ड ऑन करने के बाद हम जब यूटीएम को चालू करते हैं, एटीएम को हम शुरू करते हैं मशीन को, और हम वहाँ पर एक ग्राफ होता है, ग्राफ के लिए एक पेज दिया होता है। ठीक है, ये ग्राफ सारे के सारे मैथमेटिकली नहीं, यूटीएम के थ्रू जो है हर मटेरियल की टेस्टिंग हुई उसके थ्रू ये जो डायग्राम हमको मिले हैं। तो हम क्या करते हैं, उसमें एक कागज़ फोल्ड कर देते हैं, वहाँ पर ऑटोमेटिकली पेंसिल लगी हुई होती है, तो जो मटेरियल पे हम जब लोड लगाते हैं, टेंसाइल लोड, ठीक है, टेंसाइल लोड लगाते हैं, ये जो एरो का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमने कुछ लोड लगाया है। ठीक है, टेंसाइल लोड लगाते हैं, तो टेंसाइल लोड लगाते 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 धीरे धीरे क्या होता है, सबसे पहले तो मटेरियल मटेरियल जो है इलास्टिक, सबसे
सबसे पहले मटेरियल का क्या होता है, इसको हम बोल देते हैं ई, इसको हम बोल देते हैं बी, इसको हम सुन देते हैं सी, इसको हम बोल देते हैं डी, इसको हम बोल देते हैं ई, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं ई, इसको हम बोल देते हैं ए, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं ए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है कि जब हमने फोर्स लगाया, तो जब वो एक एक लिमिट होती है फोर्सेस की, ठीक है, एक लिमिट होती है फोर्स की। फोर्स लगाने में क्या होता है, जब हम उसके टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तो उस मटेरियल के अंदर क्या होता है, स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड हो जाती हैं। कोई भी मटेरियल पे जब हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ पर, जैसे कि मैं अगर इस एग्जाम्पल इसका ले लूँ, मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ टेंसाइल, ठीक है, तो मैं जब इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, तो न्यूटन का जो थर्ड नियम है वो क्या बोलता है, क्रिया प्रतिक्रिया का, ठीक है। कोई भी जब हम किसी पर भी फोर्स लगाते हैं तो वो उल्टा हम पर क्या लगाता है, उल्टा हम पर फोर्स लगाता है, ठीक है। तो जब हम इसको फोर्स लगा रहे हैं तो इसके क्या हो रहा है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स के अंदर स्ट्रेसेस का इंड्यूस हो रही है, ठीक है, स्ट्रेसेस इंड्यूस हो रही है, मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे को और कसकर पकड़ रहे हैं, इसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, वो अपने को, जब हम, मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूँ तो वो हटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे को अच्छी तरह से बांधे हुए हैं, तो वहाँ पर क्या हुआ है, स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड हो रही हैं इस मटेरियल के अंदर, ठीक है। तो इस मटेरियल के अंदर क्या हो रही है, स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड हो रही हैं। तो एक हम जान जैसे कि हमको पता ही होता है क्या हो, कि स्ट्रेसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती हैं, स्ट्रेन होता है, स्ट्रेसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। तो एक लिमिट ऐसी होती है कि अगर हम इसका फोर्सेस हटा दें तो इस जो मटेरियल होगा ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस लौट आएगा, ठीक है, एक ऐसा एक एक लिमिट तक, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ए। ए ए क्या होता है, मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पर, ए क्या होता है, इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। मतलब ए पॉइंट तक क्या है, अगर हम फोर्सेस को हटा भी दें, अगर हम फोर्सेस को हटा भी दें, तो अपना जो मटेरियल है वो दोबारा से अपनी ही कंडीशन में वापस लौट आता है। इस डेफिनेशन से पढ़िए, इस डेफिनेशन में क्या बोलता है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज डिफाइंड एज द डिफॉर्मेशन विच कम्प्लीटली डिसअपियर्स आफ्टर रिमूविंग ऑफ फोर्सेस। मतलब कि यहाँ तक अगर हम फोर्सेस लगाएंगे, यहाँ तक की जो स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड होंगी, और इतना जो मटेरियल में जो स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है, तो जितना चेंज हुआ, अगर हम अपने फोर्सेस को हटा दें तो मटेरियल क्या होगा, दोबारा से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस लौट आएगा, ठीक है। लेकिन जब इसके बियॉन्ड जब चला जाता है, तो बी, बी को हम क्या बोलते हैं, बी को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, ठीक है, इलास्टिक लिमिट बी, इसका इलास्टिक लिमिट होती है। मतलब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये दोबारा से अपनी ही ओरिजिनल फॉर्म में वापस लौट के नहीं आएगा। इलास्टिक लिमिट तक क्या होगा, दोबारा से अपनी फॉर्म में वापस लौट के आ सकता है, लेकिन आफ्टर वी, दोबारा से ये अपनी फॉर्म में, अगर इसके ऊपर अगर स्ट्रेसेस फोर्स चला जाता है, तो उसके अंदर जो है स्ट्रेसेस जो होती हैं वो एक्सीड कर जाएंगी इलास्टिक स्ट्रेसेस के, ठीक है, तो उसके बाद दोबारा से अपना अपना जो वर्कपीस हो गया या ऑब्जेक्ट होगा वो दोबारा से अपनी फॉर्म में वापस लौट के नहीं आएगा, ठीक है। सी को हम क्या बोलते हैं, सी को हम बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट, ठीक है, सी को हम बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट, और डी को हम क्या बोलते हैं, डी को हम बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट, डी को हम बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट, और ई जिसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, और एफ क्या है, एफ फॉर फ्रैक्चर, ठीक है, एफ फॉर फ्रैक्चर। मतलब ए तक क्या है, ए तक हम अगर किसी भी मटेरियल में क्या होगा, जो स्ट्रेसेस होंगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होंगी, स्ट्रेन होंगी, ठीक है। बी क्या है, बी इलास्टिक लिमिट है, इसके बियॉन्ड क्या होगा, मटेरियल दोबारा से अपनी फॉर्म में वापस लौट कर नहीं आएगा। सी क्या होती है,
एक अपर यील्ड स्ट्रेस होती है, ठीक है, अपर यील्ड स्ट्रेस होती है, जिसके बाद वो उस मटेरियल की यील्ड जो है स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर जाएगा तो क्या होगा, मटेरियल दोबारा से फिर जो है उसके बाद उसके फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। वो ये डी होता है जो लोअर यील्ड पॉइंट होता है, ई होता है वो क्या होता है कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, मतलब कोई भी मटेरियल इतनी ही जो है स्ट्रेसेस को, इतने ही फोर्स को वो है अपन सहन कर सकता है, ठीक है। आफ्टर ई वो किसी भी टाइम, जब अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ से ऊपर अगर हम उस पर फोर्स लगा देते हैं तो किसी भी टाइम वो फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। वो फ्रैक्चर यहाँ पे भी हो सकता है, 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 ठीक है। तो ये जो है वो एक स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम किसके लिए है, माइल्ड स्टील के लिए, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, बेसिकली प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है लाइक ये मेटल है, इस मेटल के अंदर क्या है, छोटे 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 मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक दूसरे को एक दूसरे से बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है। तो जब हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होते हैं, वो ब्रेक होते हैं बॉन्ड, ठीक है, और ब्रेक हो जाते हैं बॉन्ड, और ब्रेक होने के बाद क्या होते हैं, वो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जैसे इन दोनों का बॉन्ड टूटा, अब वो क्या करेगा, इससे बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो जो नेवर जो एटम होते हैं उनके साथ दोबारा से बॉन्ड बना लेते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो आज हमने मेटल फॉर्मिंग और इलास्टिक और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बारे में जो है पढ़ा है, कल हम आपको यील्ड क्राइटेरिया के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि यील्ड क्राइटेरिया क्या होता क्या है, और उसके बारे में हम डिटेल से जाने वॉचिंग। तो ये है इलास्टिक एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बारे में मुझे जो आपको जानकारी देनी थी वो मैंने दी है, ठीक है। बाकी आप इसके जो जो डिटेल्ड हैंड रिटन नोट्स हैं, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उससे आप इसके जो नोट्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न आ रहा हो या आपको कोई प्रॉब्लम आती हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, यूनिवर्सिटी अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने बैच के जो भी स्टूडेंट्स हैं इस कोविड के टाइम में अगर क्लासेस स्टार्ट नहीं हो पा रही हैं तो आप उनको सेंड करिए, जिससे कि वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। यूनिवर्सिटी चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।